हेलो गाइज, स्वागत है शुक्ला गार्डिंग में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल्स में कि एक्चुअल में एयर लेयरिंग कैसे किया जाता है। एयर रनिंग क्राफ्टिंग बहुत ही इजी है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मिलता है एयर लेयरिंग में। ये देख लीजिए, ये मैंगो का पेड़ है, ये प्योर मालदेव आम का पेड़ है। मैं इस पर एयर लेयरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी डाली है। इस पर मैं एयर लेयरिंग कर सकता हूँ। जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो डाल आया है इसमें मैं एयर लेयरिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारा पत्ती भी है और इजीली ये ग्रो करेगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि एयर लेयरिंग का प्रोसेस क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बने रहिए और पूरे वीडियो देखिएगा तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू गाइस। तो मैं अब ग्राफ्टिंग के लिए रेडी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये सिंपल सा एक तना चुनाव किया हूँ जिसे एयर ग्राफ्टिंग हो सकता है। बहुत ही अच्छा ये डाली है, प्योर मालदेव का है। मैं इसको ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग ग्राफ्टिंग इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू समथिंग बेटर इन केस ऑफ एयर लेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ कट करने वाला हूँ एकदम सर्किल में। कोई भी, जब भी आप ग्राफ्टिंग चालू करने चाहते हैं, अगर आप ग्राफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डाल का चुनाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट डाल हो, डाल हरा भरा हो, देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये स्टेट वाइज हो। स्टेट वाइज में क्या होता है कि आप एयर लेयरिंग जो है अच्छा होता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। आम का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर वे में होता है। वो हर एक ग्राफ्टिंग के लिए, हर एक लेयरिंग के लिए, किसी भी पौधे के लिए आपको ये स्टेट वे का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं कटिंग करना चाहता हूँ। कटिंग करेंगे वी सर्किल वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस 1 से 2 इंच हो ना काफ़ी है एयर लेयरिंग के लिए। एयर लेयरिंग बहुत ही सिंपल है और काफ़ी सक्सेसफुल। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्टिंग नर्सरी में एयर लेयरिंग ही किया जाता है। एयर लेयरिंग काफ़ी इजी है। वैसे भी शेप ग्राफ्टिंग भी बहुत लोग करता है, लेकिन एयर लेयरिंग बहुत ही इजी है। आप मैंगो का कोई भी अच्छा चाकू ही होना चाहिए, जैसे कि धारे वाले, जो कि सिंपल सा इसका थी हो सके। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मेन है आपका जो प्लांट जो आप चुन रहे हैं तना, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए। और इसका जो सर्कल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई होनी चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये ऊपर का जो सतह है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होनी चाहिए। देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसका छिलका हटाने से ही
जो इसका रूट्स है, रूट्स डेवलपमेंट यहीं से चालू होता है। ये ग्राफ्टिंग का खास बात है, जब भी हम एयर लेयरिंग करते हैं तो इसका छिलका ज़रूर हटाते हैं, क्योंकि छिलका हटाने से ही इसका रूट डेवलपमेंट होगा। और इसमें हम लोग मिट्टी, गोबर, कोकोपीट ये सब मिलाकर हम लोग इसको बांधेंगे, यानी मिट्टी के टच से ये जो स्किन है आएगा तो ऑटोमेटिकली रूट्स डेवलप होगा। ये इसी को एयर लेयरिंग बोलते हैं। तो चलिए, अभी तो अच्छे से छिलाई हो गया, अब हम लोग इस पर कोकोपीट, मिट्टी, खाद, गोबर ये सब हम लोग मिक्स करके इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा कोकोपीट, मिट्टी और गोबर सब मिक्स किया गया है। अब इसको मैंने ऐसे ऐसे फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, पहले सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे, देखिए इसको ऐसे बस पुश कर देना है, पुश करके अब इसको अच्छा से बांध देना है। सिंपल तरीका है इसको, गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बांध दिया गया है। अब इस पर हम लोग अच्छे से टैपिंग करेंगे। पहले हम एक छोटे से वाइट पन्नी से हमने टैपिंग करेंगे और उसके बाद ये ब्लैक वाला पानी पन्नी से टैपिंग करेंगे। टैपिंग बहुत ही ज़रूरी है, ग्राफ्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट टैपिंग ही है। अगर आप मिट्टी चढ़ा दिए और टैपिंग अच्छा से नहीं किए तो इसमें वाटर घुस जाएगा, जिसके चलते ये ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए टैपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपको टैपिंग करके दिखाता हूँ। बिल्कुल ही आसानी से टैपिंग हो गया। अब मैं हम लोग ब्लैक पन्नी से इसको टैपिंग कर देंगे ऐसे। हेलो गाइस, देख सकते हैं आप दोनों तरफ टैपिंग हो गया है और ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और इधर भी जॉइंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों जॉइंट अच्छा इसलिए होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा भी वाटरिंग ना जाए, इसलिए डबल पन्नी से मैंने इसको कवर किया है। आप लोग भी डबल पन्नी से कवर कीजिएगा, मेन कवर ही करना इसमें है ग्राफ्टिंग का, ताकि इसमें मिट्टी अच्छे से जो डाल है उसमें संपर्क में अच्छा से आए और ये टेपिंग अच्छा से होगा तो इसमें वाटरिंग नहीं घुसेगा, जिसके चलते आपका ग्राफ्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। आप देख सकते हैं ये हरा भरा डाली है और ये सिंपल सा मेथड है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। एकदम सिंपल है, कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, डेफिनेटली आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। मैं इसका रिजल्ट भी लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ठीक एक मंथ बाद मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा और वही वीडियो के माध्यम से, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट में भी लिखें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो एयर लेयरिंग से रिलेटेड, ज़रूर कमेंट में लिखिए कि क्या मेरा ये प्रोसेस बिल्कुल सही है या नहीं है, या जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो ज़रूर कमेंट में हमको लिख के भेजिए, हम ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर कुछ कहना होगा तो हम ज़रूर करेंगे और ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि अगला जो आएगा एयर लेयरिंग वो गुआभा से रिलेटेड आएगा। ये तो मैंगो का था, अब इसके बाद गुआभा का आएगा, उसके बाद लेमन का आएगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।